हेलो दोस्तों, मैं विष्णु प्रसाद और आप देख रहे हैं टेक रिव्यू। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज इनसाइड ब्लॉगर टेम्पलेट को एडिट करके दिखाऊंगा, फुली कस्टमाइज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है। और ये थीम आप लोगों को ना एक प्रोफेशनल लुक देता है और इसका डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपना ब्लॉग पे इसे अप्लाई करते हो, मतलब अपलोड करते हो थीम को, और अगर अप्लाई कर देते हो तो आपको मतलब काफ़ी अच्छा लुक ये मिलेगा। मतलब कोई भी विजिटर आके पढ़ता है आपका वेबसाइट में, वो थोड़ा रुकने को उसे अच्छा लगेगा, क्योंकि डिज़ाइनिंग कुछ ऐसा अट्रैक्टिव है कि अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये थीम को मैं आप लोगों को पूरा एडिट करके आज दिखाने वाला हूँ, और ये थीम आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा और आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थीम काफ़ी अच्छा थीम है। ठीक है, और यहाँ पे ना आपको सबसे जो अच्छा चीज़ मेरे को लगा ना, यहाँ पे आप इन्फीड ऐड लगा सकते हैं। यहाँ पे मतलब ये ऐड ऐड के लिए सही है। मतलब यहाँ पे ना आपको हाई सीटीआर, मतलब ये कह सकते हो कि ये जो थीम है वो हाई सीटीआर थीम है। मतलब यहाँ पे क्लिक थ्रू रेट का परसेंटेज ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है अगर ये थीम आप अगर आप लगाते हो तो। क्या होता है ना, क्लिक होने का चांसेस आपको ज़्यादा हो जाता है। वैसे और एक बहुत सारे ऐसे थीम है जहाँ पे क्लिक होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है और आपको रेवेन्यू अच्छा खासा मिल सकता है, वैसा थीम मैं आप लोगों को एक रिकमेंड करूँगा और बाद में उसे एडिट करके दिखाऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को इस थीम को एडिटिंग करके दिखाता हूँ और इस थीम में कैसे चेंजेस करना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा थीम है। ठीक है, तो आप इसे चुन भी सकते हैं और अपना ब्लॉगर टेम्पलेट में लगा सकते हैं। वैसे मैं बहुत सारे ऐसे चीज़ें यहाँ पे पहले से लिंक जो है वो सारे के सारे सेव करके रखा हूँ। वैसे आपको वैसे ही सेव करके अपना सारे के सारे लिंक, जैसे सोशल मीडिया लिंक हो गया, जैसे कि आपका जो पोस्ट लिखे हुए हैं, जितने भी सारे पोस्ट है वो सारे के सारे पोस्ट, मतलब मेरा कहने का मतलब है जो लेवल है उसको सारे के सारे रखना है। मतलब सारे के सारे लिंक एक अलग सा कोई टेस्ट डॉक्यूमेंट करके सारे के सारे सेव करके रख दीजिए। उसके बाद मतलब आराम से थीम को एडिट कर दीजिए, एक घंटे के अंदर अंदर आपका थीम रेडी हो जाएगा। वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इस अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो आपका ब्लॉगर टेम्पलेट को एडिट करने में आप मास्टर बन जाओगे, मैं इसका गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैं रूट लेवल पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब अच्छे से ये पूरा मैं कस्टमाइज़ करके आप लोगों को दिखा दूँगा, ताकि कोई भी थीम आगे आप मतलब एडिटिंग करेंगे तो आप बड़ी आसानी से कोई भी थीम को एडिटिंग कर सकते हैं, अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिखा देता हूँ मैं सारे के सारे अपना जो लेवल है। ठीक है, मैं सारे के सारे लेवल को यहाँ पे रखा हूँ। वैसे ही आपको सारे के सारे लेवल यहाँ पे रखना है और यहाँ पे जाके जैसे कि होम पे अपना मतलब लिंक आपको डालना है, और यहाँ पे जितने भी सारे लिंक है जैसे कि ब्लॉगर, यूट्यूब, SEO, जितने भी सारे आपका कैटेगरी है, मतलब कैटेगरी का मतलब होता है कि आप जिस जिस मतलब नीच पे लिखना चाहते हो अपना आर्टिकल, जैसे कि यूट्यूब हो गया कैटेगरी हो गया, मतलब यूट्यूब के रिलेटेड आप कुछ लिखना चाहते हो आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हो, ब्लॉगर के रिलेटेड कुछ लिखना चाहते हो पब्लिश करना चाहते हो, AdSense के ऊपर कुछ लिखना चाहते हो, मतलब जिस टॉपिक में आप ना माहिर हो सारे के सारे आप चुन लीजिए। उस हिसाब से आप फिगर आउट कीजिए कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको, मतलब आप मतलब लिख सोचिए कि आपको कौन सा कैटेगरी में चीज़ें लिखना है, क्या क्या लिखना है, और सारे के सारे प्लान कीजिए। कोई नोटबुक में उठाइए और अपना वेबसाइट का डिज़ाइन कीजिए कि कैसे कैसे आपको होम पे मेनू कैसा रहना है, और आप फुटर में क्या डालना चाहते हो वो सारे के सारे लिख दीजिए, कौन सा थीम आपको चूज करना है वो सारे के सारे लिख लीजिए, और मतलब पूरा एक वेबसाइट का मतलब ओवरऑल आप फिगर कर सकते हो अपने नोटबुक में, और उस हिसाब से अपना वेबसाइट को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, सारे के सारे लिंक दे सकते हो। जैसे कि ये देख सकते हो कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया, आपको कैसे बनाना है। हालांकि ये कॉन्टैक्ट अस पेज मेरा जो है मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, मैं उसे बाद में चेंज करने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं और एक चीज़ आप लोगों को मतलब एक आइडिया देना चाहता हूँ, आप जैसे कि अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, कुकीज पॉलिसी हो गया, ये सारे के सारे आपको पोस्ट नहीं करना है, इस सारे के सारे चीज़ों को आपको पेजेस बनाना है। ठीक है, पोस्ट और पेजेस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे मैं सारे के सारे पेजेस बनाया हुआ हूँ और ये सारे के सारे इनको इतना मॉडिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा मतलब इमेजेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे के सारे स्टैटिक पेजेस होते हैं, मतलब आप इसको ज़्यादा एडिटिंग करने के कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, सॉरी यार, थोड़ा तोता का आवाज़ आ रहा होगा, माफ़ करना भाई, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ पे कोई तोता है मेरा थोड़ा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे मैं कुकीज पॉलिसी हो गया वो सारे सारे यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जाके अपना लिंक दे सकते हो और यहाँ पे नेम भी डाल सकते हो, वैसे डाल सकते हो। तब यहाँ पे आप जाके कॉपी लिंक सब करके यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे जाके पेस्ट करना है। जैसे कुकीज़ वाली से हो गया, उसको एडिट करना है, उसके अंदर में कुछ डालना है। अगर डिस्क्लेमर लिख रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक न्यू ऐड कर रहा हूँ साइट नेम, यहाँ पे डिस्क्लेमर और लिंक भी वैसे ही देना है। और इसे चाहे आप शॉर्ट भी कर सकते हो, ऊपर नीचे। यहाँ पे जो आरो साउंड है ना, ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला नीचे आ जाएगा, मतलब जैसे भी शॉर्ट करना है ना आप शॉर्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हैं, अच्छे से इसको मतलब रख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप जाकर सेव पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे, ये सारे के सारे मेनू जो है, मतलब मेन मेनू, नेविगेशन मेनू नहीं है, ऊपर में जो रहता है जो मेनू है, सारे के सारे यहाँ पे अच्छे से रह गया। उसके बाद जाके आप ब्लॉगर में देख सकते हैं, लेआउट में अंदर में यहाँ पे सेव चेंजेस कर सकते हो। और व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट में जाकर देख सकते हो भाई, ये सारे के सारे ऊपर होम हो गया, कुकीज़ पॉलिसी हो गया, इसे सारे के सारे ऊपर में रहेगा, ठीक है। इसको ये मैंडेटरी है, अगर आप एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हो ये सारे के सारे आपको रहना चाहिए। अगर ये इसको आप नहीं रखते हो तो आपका मतलब चांसेस जो है मतलब कम हो जाता है आपका अप्रूवल ना पाने का, अगर आप इसे नहीं रखते हो तो। इसको रखना है, मैंडेटरी है, ये एडसेंस का रूल है शायद कुछ, आपको फॉलो करना है बस। और आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेन में पहले से मेरे वेबसाइट का डिज़ाइन था, देखो यहाँ पे ब्लॉगर, यहाँ पे यूट्यूब, एसईओ गाइड, ये सारे जो सारे आप मुझे एडिट करना है, ठीक है। टॉप नेविगेशन पे अगर आप क्लिक करते हो आप देख सकते हो बहुत सारे मेनू यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। आप ये सारे सारे पहले से ही एडिट कर चुके हैं। उसके बाद आप लोगों को मतलब ये सारे एडिट करने के बाद इसको सेव तो आप कर दे होंगे, और ये देखो इसके ऊपर, इसको नीचे, इसे करके आप शॉर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ये तो बड़े आसान से आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है ये। अगर आप थीम को अंदर से भी चेंज करना चाहते हो, मतलब एडिट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा मतलब बेसिक सा नॉलेज आपको ज़रूरत है अगर आप चाहते हो तो। यहाँ पे आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा मेन जो है ना यहाँ पे, तो आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं। आप देखें, मैं इसे शॉर्ट कर देता हूँ, तो आप मुझे देख के अपना वेबसाइट को वैसे शॉर्ट कर सकते हैं अगर आप कैसे रखना है। देखो ये अगर आप रिफ्रेश कर देंगे तो ये पूरा अपने हिसाब से रह हो जाएगा। तो यहाँ पे सोशल टॉप जो है, सोशल, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल प्लस, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, और जिसके चाहते हो आप लिंक देना, आप लिंक दे सकते हो, एक एक करके लिंक दे सकते हो। जैसे कि फेसबुक हो गया, फेसबुक को मैं कॉपी करके फेसबुक के अंदर में अगर जा एडिट करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपको गूगल प्लस अकाउंट नहीं है तो गूगल प्लस को आप डिलीट कर सकते हैं, ये बड़ी आसान से आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि राइट साइड में आपको दिखने को मिल जाता है डिलीट का ऑप्शन, तो उसे डिलीट कर सकते हैं। वैसे ट्विटर का यहाँ पे हमें देना है, तो इसे मैं कॉपी करता हूँ ट्विटर को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। उसके बाद गूगल प्लस, देखो गूगल प्लस अकाउंट मेरा पहले से था, यहाँ पे ये गूगल प्लस का लिंक मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये बड़ी आसान से पेस्ट हो गया। उसके बाद सेव कर दिया। उसके बाद आप नीचे इंस्टाग्राम भी देख सकते हो, अगर आपको पिंटरेस्ट नहीं चाहिए तो पिंटरेस्ट को आप डिलीट कर सकते हो। ऐसे मैं नीचे यहाँ पे यहाँ पे मैं मुझे इंस्टाग्राम का लिंक दे देता हूँ, अगर आपको पिंटरेस्ट नहीं चाहिए तो डिलीट कर सकता हूँ, नहीं तो पिंटरेस्ट में बाद में कोई अकाउंट बना दीजिए, ठीक है, बनाने के बाद उसको सेव कर दे। तो यहाँ पे पिंटरेस्ट का कोई लिंक नहीं है, तो यहाँ पे मैं ऐसे सेव करके रख देता हूँ, बाद में पिंटरेस्ट का लिंक मतलब पिंटरेस्ट में अकाउंट बना के उसमें डाल सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इन फ्यूचर पिंटरेस्ट आपको अकाउंट नहीं बनाना है तो आप उसे डिलीट कर दीजिए, लेकिन डिलीट करना में थोड़ा ये बुरा दिखता है, मतलब अच्छा नहीं दिखता है, तो इसलिए आपको डिलीट नहीं करना है, आपको अकाउंट ही बना देना है, बस लिंक देना है। क्योंकि एडसेंस अप्रूवल के लिए मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहता हूँ, हर एक लिंक आपका काम करना चाहिए, कोई भी लिंक ब्रोकन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए, ये तीन चीज़ माइंड में सेट कर दीजिए कि भाई आपको
मतलब सारे के सारे लिंक को मतलब ठीक करके रखना है, सारे के सारे लिंक वर्किंग होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपका एडसेंस अप्रूवल का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है, क्योंकि देखो ब्रोकन लिंक शुरुआत से अगर आपका ब्रोकन लिंक रहेगा तो एडसेंस अप्रूवल लेने के टाइम पे थोड़ा दिक्कत आता है, क्योंकि उनका रूल भी ऐसा होता है कि भाई आपका कोई वेबसाइट में कोई एरर ना रहे, कोई लिंक ब्रेक ना रहे, तो ये एडसेंस चाहता है। ठीक है, तो एडसेंस हमेशा चाहते हैं कि भाई आपका मतलब अच्छे से आपका वेबसाइट अच्छे से होना चाहिए और फुली कस्टमाइज होना चाहिए तो, और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए तो, और मोबाइल फ्रेंडली फ्रेंडली भी होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रख के अपना वेबसाइट मतलब वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। यहाँ पे मेन चीज़ आता है, मेन जो देखो ये सारे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि होम होम हो गया, फीचर्स हो गया, यहाँ पे आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे कि यूआरएल, सॉरी मैं यहाँ पे ब्लॉगर लिख दिया, जैसे यहाँ पे ब्लॉगर नहीं लिखना है, यहाँ पे यूआरएल डालना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा कुछ अलग सोच के यहाँ पे लिख दिया हूँ, वैसे उसको हम डिलीट कर देंगे बाद में। ठीक है, तो ये मैं काफ़ी साल पहले मतलब काफ़ी साल नहीं, काफ़ी कुछ महीने पहले मैं इसे बनाया था। ठीक है, तो इसे मैं सेव किया था। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं फिर से दिखा दिया कि भाई इनसाइड थीम वैसे ही कुछ अच्छा थीम है, तो आप लोगों को ये सीखना चाहिए कि कैसे इसको एडिट करना है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दिया, क्योंकि ये वीडियो मेरे को अभी मिल गया, तो ये सेव होके पहले से बना हुआ था, तो मैं इसे थोड़ा सोचा कि भाई कुछ वीडियो नहीं बनाया तो इसको मैं आज दे देता हूँ आपको। तो ये जो अंडरस्कोर वाला आप देख रहे हैं ना, ये सब मेनू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब मेनू कुछ जो भी रखना चाहते हैं, अगर SEO रखना चाहते हैं या ब्लॉगर टेम्पलेट रखना चाहते हैं, कुछ भी आपने यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे डालने के लिए। वैसे और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि भाई मेनू में सारे के सारे चीज़ें अच्छे से रखना है आपको, मतलब जैसे कि हर एक मेनू के अंदर में मतलब पोस्ट लिखना चाहिए। मतलब देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप कोई भी पोस्ट लिखते हो, कोई भी चीज़ आप लिखते हो, ठीक है, तो जितने भी सारे मेनू है ना, अगर एडसेंस अप्रूवल आप लेना चाहते हो, जितने भी सारे मेनू है, मेनू के अंदर एटलीस्ट 4 से 5 पोस्ट हर एक मेनू के अंदर में रहना चाहिए। जैसे ब्लॉगर हो गया, ब्लॉगर एक तो ब्लॉगर गाइड जो अगर आप ब्लॉगर गाइड दे रहे, तो यहाँ पे अगर SEO की गाइड दे रहे, तो SEO के रिलेटेड जितने भी सारे पोस्ट है वो सारे के सारे लिखना चाहिए। तो सारे के सारे एटलीस्ट 5 4 5 पोस्ट तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हर एक मेनू के अंदर, अगर ब्लॉगर में जाते हैं और ब्लॉगर में एक ही पोस्ट, फिर अगर उस अगर SEO में जाते हैं उसे एक ही पोस्ट, तो ऐसे एडसेंस को अप्रूव मतलब अप्रूवल आपको मिलने में थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए आप हमेशा मतलब उसके अंदर हर एक मेनू के अंदर आपको 4 5 6 पोस्ट तो लिखना है। ठीक है, और आपको एडसेंस का अप्रूवल लेने के टाइम पे मिनिमम 20 से 25 पोस्ट आपको लिखना चाहिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई आप एडसेंस अप्रूवल रियली लेना चाहते हो तो आपको बहुत सारे फैक्टर की मतलब नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को सब मतलब थीम जो आप ले रहे हो, मैं बताना चाहता हूँ, थीम के अंदर अगर आप प्रीमियम थीम ले रहे हो तो आपको मतलब कोई फुटर क्रेडिट तो आप हटा सकते हो, लेकिन अगर आप वैसे ही फुटर क्रेडिट हटा रहे हो, अगर प्रीमियम थीम परचेस नहीं किया और फुटर क्रेडिट हटा रहे हो, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, आपको तो एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग का आगे लेके चलना चाहते हो, अगर ब्लॉगिंग में कैरियर बनाना चाहते हो, अच्छा खासा फ्यूचर बनाना चाहते हो, भाई बन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट भी नहीं है, अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हो, लेकिन आपको मैं यही रिकमेंड करना चाहता हूँ भाई, आपको थीम का जो नीचे जो आपको कॉपीराइट का ऑथर का कॉपीराइट में कुछ रहता है ना, कुछ क्रेडिट रहता है, उसको हटाना नहीं है। अगर आप हटाना चाहते हो, प्रोफेशनल बनाना चाहते हो, भाई आप जाके थीम को परचेस कीजिए, वैसा ही आपको इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आपका ब्लॉगिंग कैरियर में कोई प्रॉब्लम ना आए, वैसे ही ब्लॉगर को तो आप मतलब यूज कर सकते हो ब्लॉगिंग में, लेकिन आपको और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, अगर आप प्रोफेशनली ब्लॉगर बनना चाहते हो, ब्लॉगिंग फील्ड में आगे जाना चाहते हो, आप इन फ्यूचर जब भी आप माहिर बन जाओगे लिखने में और मतलब सारे के सारे चीज़ें आपको पता चल जाएगा, तो वर्डप्रेस में आप चले जाइए। ठीक है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। वैसे ब्लॉगर में एक आप लोगों को एक चीज़ें आपको देखने मिलता कि भाई आपका वेबसाइट में जितने भी सारे ट्रैफिक आएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका, मतलब कुछ नहीं होगा, लेकिन वो झेल लेगा। लेकिन एक जो होता है ना वर्डप्रेस, अगर बहुत
सारे ट्रैफिक आता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, उसका लिमिट होता है, उसके बाद ना हैंग हो, मतलब वो फ्रीज हो जाता है आपका वर्डप्रेस में, मतलब उसका डाटा ट्रांसफ़र रहता है जैसे 1000 GB या 100 GB या कुछ रहता है, ठीक है, तो ये लिमिट है और उससे ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं कर सकते, मतलब वैसे होता वो रहता है, और कुछ कुछ तो अनलिमिटेड भी रहता है, वैसे आपके प्लान के हिसाब से आपको लेना है, आपके पैसे के हिसाब से आपको देख के लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं यहाँ पे सारे के सारे चीज़ें आप दिखा दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो फुटर में क्या चेंजेस करना है, देख सकते हो ये थीम बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको नहीं बताया हूँ, वो है मेनू, ठीक है, जो मेनू का जो साइज मतलब जो नेविगेशन बार है, मैं उसको बड़ा कर दिया हूँ, बहुत बड़ा, एक्चुअल में आपको इतना बड़ा देखने को नहीं मिलेगा, और इसे मैं बता दूंगा अगर आप बड़ा करना चाहते हो, पूरा फुल जैसे रखना चाहते हो कैसे रखेंगे, और सर का सर मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा मैंने कर दिया है, वैसे आपको तो इतना बड़ा नहीं मिलेगा नेविगेशन मेनू, तो इसे छोटा मिलेगा थोड़ा, और यहाँ पे जो फुटर देखते हो ना, उसको मैं थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है देखने में, अगर वो छोटा हो जाता है ना मेरे को अच्छा नहीं लगता इतना, तो मैं ऐसा कर दिया हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप फुटर सेक्शन में तीन चीज़ें देखने को मिलेगा, एक इमेजेस है, और इनसाइड जो लिखा हुआ है ना, आप उसे चेंज कर सकते हो, एडिट में जाके अपना फोटो लगा सकते हो, अपना खुद का मतलब आपका वेबसाइट का खुद का लोगो लगा सकते हो, बहुत बड़ी आसान चीज़ें, मैंने लगाया नहीं हूँ, वैसे आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे अगर आप टेस्ट के फील्ड में कुछ लिखना चाहते हो, आप लिख भी सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप वैसे ही नेम फेम जो देना है, वो URL देना है अपने हिसाब से, मेनू को कैसे डिज़ाइन करना है आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। और आप देख सकते हो जो राइट साइड में कैटेगरी है, आपको कैटेगरी आप कितना देना चाहते हो वो इतना दे सकते हो, मतलब पूरा कैटेगरी दिखाना है अपना खुद का, या मतलब सिलेक्टेड दिखाना है वैसे आप दिखा सकते हो, वैसे मैंने फुल रख दिया, क्योंकि देखो राइट साइड जो बार है ना वो थोड़ा मतलब खाली रहता है, ठीक है, तो एम्प्टी स्पेस वहाँ पे रह जाता है, अगर मैं वहाँ राइट साइड में पूरा का पूरा मतलब कैटेगरी शो कर देता हूँ ना, वो थोड़ा होता है ना क्लिक ज़्यादा हो जाए, लोग थोड़ा अगर विजिटर ज़्यादा आते हैं तो यहाँ पे बहुत क्लिक वगैरह मिल जाता है, और बहुत सारे लोग मतलब पोस्ट वहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका मतलब थीम का साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है, आपको लग रहा है कि भाई पोस्ट मतलब बहुत कम है और छोटा लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से कैटेगरी को मतलब कम रख सकते हो, जितना सिलेक्टेड कैटेगरी रखना है तो आप रख सकते हो वैसे, ठीक है। और ऊपर में थोड़ा स्पेस दिख रहा है, उसको आप हटा सकते हो, बड़ी आसान से हटा सकते हो, मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो मेगा मेनू है, मेगा मेनू को अगर आप हटाना चाहते हो हटा भी सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने पोस्ट कुछ लिखा नहीं हूँ कोई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब ये पूरा का पूरा एडिटिंग तो हो गया, उसके बाद मेन मेनू का मैं एडिटिंग कर देता हूँ, और मुझे लगता है कि भाई मैं ज़्यादा बोर कर रहा हूँ और वीडियो को थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है, इसको वीडियो यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ, वेट मैं कट कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे क्या होगा ना, जब भी आप पोस्ट लिख देंगे, इसका सारे के सारे इमेजेस आपको शो होगा, ये जो खाली स्पेस है ना उसके अंदर में सारे के सारे इमेजेस आपको शो होगा, और काफ़ी अच्छा लुक देगा। यहाँ पे मैंने कुछ पोस्ट नहीं लिखा हूँ, इसीलिए वहाँ पे मतलब ये इमेजेस नहीं दिखा रहा है, और आप यहाँ पे इमेजेस ऑटोमेटिक वो शो जाएगा, जब आप पोस्ट 10-12 लिख दोगे ना, 4-5 लिख दोगे, उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे पोस्ट दिखाई देगा और काफ़ी अच्छा लुक देगा। अगर आप चाहते हैं उसे रिमूव करना, वो रिमूव भी कर सकते हैं, और यहाँ पे लोगो अगर लगाना है, कुछ लगाना है, वो आराम से यहाँ पे आप जाके लोगो भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो मेन लोगो लिखा हुआ है, उसको एडिट करके आप लोगो को हटा सकते हो, और लोगो यहाँ पे अपना खुद का लोगो को भी ऐड कर सकते हो। वैसे मैं इस थीम के अंदर कुछ नहीं किया हूँ, मतलब ऐड लोगो को नहीं लगाया हूँ, क्योंकि मुझे ये थीम नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब थीम मतलब इस थीम, मतलब मैं कुछ दूसरा थीम डालने वाला हूँ, तो इसमें सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कैसे ये इनसाइड थीम को एडिट करना है, बस मैं ये वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे आप हेडर का लोगो दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे जाके आप पेंसिल वाला बटन है ना, वहाँ पे जाके मतलब एडिट करके आप थीम को अपलोड मतलब आपका जो इमेजेस है, लोगो है, आप लगा सकते हो बड़ी आसान से। और आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिल गया होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, बता दिया हूँ कि भाई ब्लॉगर और वर्डप्रेस में कौन जो अच्छा है, और एडसेंस अप्रूवल कैसे अच्छे लेना है, वो सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तभी मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा। तो बाय।